बजट से पहले आपके शहर से आपके मन की बात। आज पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से जनता की आवाज। क्या बजट में गंगा सफाई की होगी बात? वाराणसी के 84 घाटों की तस्वीर बदलेगी। क्या बजट से बुनकरों के आएंगे अच्छे दिन? क्या पर्यटकों के लिए चमकेगा वाराणसी? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए वाराणसी को क्या मिलेगा? वाराणसी की जनता की मन की बात सुनिए वित्त मंत्री जी। नमस्कार, बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी के 80 घाट पर इस वक्त मौजूद है एबीपी न्यूज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम की बेला है और यहाँ से हम कर रहे हैं एबीपी न्यूज का बजट स्पेशल कार्यक्रम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हम लगातार करते आए हैं, लेकिन सुनिए वित्त मंत्री जी। जी हाँ, वाराणसी हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट सुनिए वित्त मंत्री जी, हम लेकर आए हैं वाराणसी से। जैसा कि आपको मालूम है, वाराणसी सांस्कृतिक विरासत अपने अंदर समेटे हुए है। काशी बनारस के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन मंदिरों और घाटों की प्रसिद्धि के अलावा यहाँ की हवा और यहाँ की फिजा में एक और बात गूंजती है, एक और पहचान है इस वाराणसी की। और वो पहचान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। पीएम को यहाँ से लोगों ने दिल खोलकर समर्थन दिया, सत्ता दी, और अब वाराणसी के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि अब से ठीक 22 दिन बाद 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें वाराणसी की जनता के लिए क्या होगा। आज सुनिए वित्त मंत्री जी में, वाराणसी की जनता सीधे अपनी मांग रखेगी वित्त मंत्री अरुण जेटली से। वाराणसी के अलग अलग वर्गों के बेहद ऊर्जावान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए वाराणसी की इस जनता का, वो वाराणसी की जनता जो लगातार प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की तरफ देखती है अपने विकास के लिए और बेहतरी के लिए। वाराणसी में हम खड़े हैं, इससे पहले कि हम सुनिए वित्त मंत्री जी और बजट के कार्यक्रम की शुरुआत करें, गंगा माँ का एक बेहद अटूट रिश्ता है वाराणसी से। और आपको बता दें, वाराणसी में कभी कोई चर्चा पूरी नहीं हो सकती जब तक गंगा जी की बात ना की जाए। मेरे साथ यहाँ पर लोक गायक अमलेश जी मौजूद हैं, और केडी जी का एक गाना है जो वो अपने शब्दों में बयां करने वाले हैं। अमलेश जी, माँ गंगा में डुबकी लगाकर लोग जाने क्या क्या मांगते हैं यहाँ वाराणसी में आकर के, लेकिन आज की तारीख में गंगा जी क्या मांग रही है? हम सब यही कहना चाहते हैं कि गंगा मैया बहुत दर्द में है, और हम जगाना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, काशी का ये निवेदन है कि जागो देश के वीर जवानों, अरे जागो देश के वीर जवानों, तो जन जन को जगाना है, तो सुरसरी धारा बहे निरंतर गंगा को बचाना है, सुरसरी धारा बहे निरंतर गंगा को बचाना है। रगों में तेरे खून है बहता या की बहता पानी है, गंगा के अस्तित्व को समझो, गंगा जीवन दानी है, तो हम सबकी अपनी माँ गंगा। बहुत दर्द की बात है कि हम सबकी अपनी माँ गंगा, सबको ये समझाना है कि सुरसरी धारा बहे निरंतर गंगा को बचाना है, सुरसरी धारा बहे निरंतर गंगा को बचाना है। जागो भाइयों, जागो जागो। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेश जी आपका। ये एक ऐसी आवाज है जैसे आपने देखा वाराणसी में लोगों ने इस पर तालियां बजाई हैं। गंगा माँ के लिए वाराणसी नहीं, पूरा देश चाहता है कि माँ गंगा साफ हो, वो माँ गंगा जो बिना भेदभाव के हर किसी को पवित्र करती है। हम आपको ये बता दें, बजट का ये कार्यक्रम, ये सबसे बड़ी मांग वाराणसी से, इसमें लोग अपनी बात जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज की ये जो अनोखी और खास पहल है, सुनिए वित्त मंत्री जी की, आपको वो बता दें। आप देख भी सकते हैं, हमने एक मांग पत्र लोगों को यहाँ वाराणसी में दिया है, एबीपी न्यूज का ये मांग पत्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाम, शहर, व्यवसाय और बजट में आप क्या चाहते हैं, और लोग लगातार इस पर अपनी राय पहले से ही लिख रहे हैं। हम आपको बता दें, ये मांग पत्र पर वाराणसी की जनता जो भी लिखेगी आज इस लाइव कार्यक्रम के अलावा, इस मांग पत्र को हम भेजेंगे देश की सरकार तक, ताकि बजट में वाराणसी की, प्रधानमंत्री के क्षेत्र की आवाज बुलंद हो। तो चलिए आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे बताइए, काशी को क्योटो बनाने का वादा पीएम ने किया था, बजट में आप पीएम उनकी सरकार से क्या मांग रहे हैं?
आई कैन स्पीक इन इंग्लिश जी बिल्कुल एक्चुअली द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एग्रीकल्चर आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम टीचिंग द फाइन आर्ट्स इन द BHU सो आर्ट एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि आर्ट एजुकेशन जो है उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री से क्या मांगेंगी गृहिणी तो देश की वित्त मंत्री से एक घर के गृह मंत्री की तरह बात कर सकती है ना मैं केंद्रीय मंत्री से ये मांगना चाहूंगी मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी होने के साथ साथ एक सामाजिक महिला भी हूँ जो समाज में मैं जाती हूँ उनके लोगों को मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से रह रहे हैं और इनकी क्या क्या जरूरत है तो मैं ये सबसे ज्यादा ये समस्या सामान्य की जो झुग्गी झोपड़ी और सड़कों में रहने वाले हैं उनके पास कोई ID प्रूफ भी नहीं है और उनके लिए केंद्र सरकार आवास आधार कार्ड और राशन कार्ड ये सबकी व्यवस्था करें ठीक है तो ये मांग आप चाहती हैं बजट में हो गंगा के ऊपर आप सबने गंगा माँ की जो हालत है उसे सुधारने के लिए आपने समर्थन किया था मुझे ये बताइए आप में से कितनों को लगता है कि बनारस में गंगा कई प्रयासों के बावजूद गंगा जी साफ नहीं हो पाई है हाथ खड़े कीजिएगा आप सभी को लगता है ऐसा कि गंगा माँ साफ नहीं हो पाई है प्रयासों के बावजूद क्यों ऐसा क्यों है क्यों लगता है इतने बजट में आवंटन फिर भी गंगा माँ साफ नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुधार तो है देखिए कि हर चीज का नकारात्मक पहलू नहीं देखना चाहिए सुधार तो है लेकिन जिस सुधार की जरूरत है गंगा को जीवनदायिनी बनाने के लिए वो सुधार अभी भी पूरा नहीं हुआ तो वो क्या सुधार होना चाहिए किसी के पास सुझाव है बजट में क्या होना चाहिए माँ गंगा के लिए नमामि गंगे दिया आपने पैसे दिए लेकिन गंगा को सुधारने के लिए और क्या किया जाए सरकार द्वारा मैडम ऐसे है मैं हूँ तो शिक्षा क्षेत्र से लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को भेजा PMO ने यहाँ पे और जिसमें बदलता बनारस लेकर रुखाया गया जिसमें सारे प्रोजेक्ट जोड़े गए नमामि गंगे के थ्रू जो आया है इसमें सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगी ड्रेनेज सिस्टम अगर ड्रेनेज सिस्टम सुधार दिया जाए पूरे वाराणसी का और सड़कों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी जाए तो शायद नमामि गंगे की जो समस्या है वो नमामि गंगे वाकई में उभर के हम उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री सुन रहे होंगे गंगा पर मेरे साथ एक लारी साहब भी मौजूद है क्या परेशानी है क्या करें वित्त मंत्री जी ताकि बनारस से जो धारा बह रही है वो साफ हो पाए गंगा जी की बनारस में गंगा साफ सिर्फ बनारस से नहीं होगी ना बनारस के लोग बनारस के इलाके अपने इलाकों को साफ कर सकते हैं लेकिन जब तक पानी का प्रवाह और जहां से भी गंगा आ रही है उनके उसको रोका नहीं पानी का प्रवाह नहीं होगा और टेनरियां और सारी चीजें जो रास्ते में मल जल जो तो तब तक ठीक नहीं होगा ना हमें खुद बदलना पड़ेगा और पानी का प्रवाह तेज करना पड़ेगा जब डैम है सारे जो रोक रखे हैं उनको ठीक सबको प्रयास करना होगा आपको क्या लगता है गंगा की सफाई के लिए वित्त मंत्री से क्या मांग है आपकी देखिए गंगा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा वो जग जाहिर है लेकिन सवाल ये है कि हम उसे मोक्ष दाहिनी माँ गंगा मानते हैं हर चीज़ सरकारों से नहीं होता है हमें भी अपना कर्तव्य निभाना होगा रोकना होगा टोकना होगा और अपनी माँ को किस तरह ये मोक्ष दाहिनी बन सके उसके लिए हमें प्रयास करना होगा बिल्कुल गंगा पर कोई और बात जो वित्त मंत्री तक आप पहुंचाना चाहते हो जी माइक में पकड़ रही हूँ बात रखिए मैडम मेरे हिसाब से तो कोई भी माँ ऐसी नहीं जो गंदी होती है कोई भी माँ गंदी नहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछ लीजिए किसी की माँ गंदी है माँ के वस्त्र गंदे हो सकते हैं माँ के ऊपर आने वाले बाहरी आवरण गंदे हो सकते हैं तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए सुझाव क्या आपका वित्त मंत्री को यह है कि जो इंडस्ट्रियल ड्रेनेज है उसको रोका जाए और गंगा पे जो 20,000 करोड़ नमामि गंगे में दिए जाते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा राशि होती है किसी भी चीज को सुधारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री ये जो गंगा माँ को लेकर यहाँ की जो भावना सेंटिमेंट उसे समझ रहे होंगे हम कुछ और मांगों की तरफ भी बढ़ते हैं आप बताइए वित्त मंत्री जी से इस बजट में आप क्या उम्मीद कर रही हैं मैम मैंने तो बहुत उम्मीद की थी उनसे लेकिन मैंने परसों एक न्यूज देखा कि आलू जो है सड़कों पे किसाने फेंक रहे हैं जिससे ये लगा कि हम लोग हाउसवाइफ गृहिणी ठेले पर से 20-30 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं और वही आलू पूरे रोड पे बिखरे हुए हैं तो ये GST है कि टैक्स है कि किसानों का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से चलिए बहुत बड़ी बात है एक तरफ आप महंगा सामान खरीदे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वही सामान सड़कों पर फेंका जा रहा है क्या वाराणसी के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं हाथ खड़ा कीजिए कितनों को लगता है महंगाई है
बहुत लोग मानते हैं कि महंगाई है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जी, तो महंगाई पर वित्त मंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं? जब मोदी जी ने कहा कैशलेस बनाना है देश को, ठीक है, फिर हम जब कहीं भी कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमारा दुकानदार बोलता है कि 2% आपका एक्स्ट्रा लगेगा, और कभी कभी कोई दुकानदार नहीं भी लेता है तो वो नेट नहीं चलता, इस वजह से नहीं हो पाता, तो इन सब चीजों में भी सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए बजट में? मेरा मांग ये है कि आज ही मैंने पहले सुबह उठते हुए एक न्यूज़ देखा कि जब भी हम पैसे जमा करेंगे या फिर पैसा हम विड्रॉल करेंगे तो पैसा कटेगा। तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हो चाहे जो भी हो, हम लोग एक घर चलाते हैं, उसको एक निर्धारित मनी हम लोग एक्यूरेट करते हैं कि हम लोग के इनकम के हिसाब से कि हम घर में कितने पैसे रखें और कितना जमा करें। क्या चाहती हैं आप वित्त मंत्री? मतलब ये हमेशा ये क्या ऐसा है कि हम लोग को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि हम लोग को घर में कितने पैसे रखने हैं? और आप कह रही हैं, आपकी भी तो सुने, आपकी जेब की चिंता करें ना वित्त मंत्री जी। यहाँ पर हमारे साथ अम्मा, आपने भी कुछ लिखा है क्या, या कुछ आपके चाहिए? क्या चाहिए? घर चाहिए। घर चाहिए, क्या समस्या? परेशानी है आपको, खाने पीने की परेशानी है आपको, आपको परेशानी, मेरे माता पिता नहीं है, एक भाई का भाई मर गया, एक बहन मर गई है, हम लोग अच्छे लोग, हम लोग कसाए लोग मारते हैं, तो ये भी एक दर्द है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जी, कुछ और के हो गया हमको यहाँ रह रहे कसाई को मार जो होंगे, घर से 4 महीना हो गया निकले हुए हमको। माता जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो बात आपने कही है ये सरकार तक पहुँचे। और मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद है, जी हाँ, आपकी क्या मांग है? मेरा वित्त मंत्री जी से ये मांग है कि पूरे देश में अगर हमें विकसित देशों के बराबर आना है तो शिक्षा का बजट, खासकर 10+2 का यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, और बजट जो है बहुत बढ़ाना पड़ेगा जो उनके एट पार हो, जो डेवलप कंट्री के लोग हैं, और गांव हो या शहर हो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन। कुछ स्टार्टअप के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको? एजुकेशन पे एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। 1999 में हमारे GDP का करीब 4.5% एजुकेशन का बजट था, जो अब घट के 3.6 के अराउंड हो गया है। तो GDP बढ़ गई है बट एजुकेशन का एलोकेशन प्रोपोर्शन में घट रहा है। बड़ी बात आपने कही, शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप करती क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो वित्त मंत्री से क्या मांग है इस बजट में आपकी? मैम, हमारी यूनिवर्सिटी अनाथ है, तो अभी 3 महीने हो चुके हैं, VC कोई भी अपॉइंट नहीं हुआ है, तो हायर एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। आप BHU से हैं, और BHU में हाल फिलहाल शिक्षा को लेकर जो पूरा, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ कुछ, उसमें केंद्र सरकार को आप कहना चाहती हैं कि सुरक्षा को लेकर कुछ हो? सुरक्षा देने का, सुरक्षा का यही है कि फंड का एलोकेशन, हाँ, उसको लेकर फंड का एलोकेशन होना चाहिए, और सिक्योरिटी देनी चाहिए, फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, BHU से भी एक छात्रा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ और लोगों के पास मैं जाती हूँ। क्या मांग है वित्त मंत्री से आपकी? एक्चुअली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और हमारा इधर एक स्टार्टअप है, 2015 से हमने शुरू किया, ये मेरा पार्टनर है डॉक्टर प्रणव। हमारा जो बिजनेस है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, और इनिशियली वी वर फंडेड बाय बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन मांग क्या है आपकी? जो हम हमारा सब्सिडीज और लोन है उसमें जो EMI सबका प्रॉब्लम है, हमारा ही नहीं है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। EMI में फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक चीज मैं और आप लोगों से जानना चाहूंगी, यहाँ पर नौकरी पेशा वाले कितने लोग हैं जिन्हें लगता है टैक्स का बोझ कम होना चाहिए? हाथ खड़े करेंगे जिन्हें लगता है टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। ये एक सज्जन है, आपसे मैंने बात नहीं की, आपको लगता है इस बजट में टैक्स का बोझ कम होना चाहिए? बिल्कुल, टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। हम जो वेतन हमें मिलता है उसमें हम आयकर भरते हैं, एक बार टैक्स वहां दे देते हैं, और फिर जब सामान खरीदने जाते हैं तो दोबारा उस पर भी टैक्स हम देते हैं, तो ये टैक्स का बोझ घटना चाहिए। कुल मिला के तनख्वाह लंबी दिखती है, मगर जोड़ के अगर देखा जाए तो हम घर में महीने का 10,000 भी नहीं बचा पाते। ठीक है, तो टैक्स का जो बोझ है वो कम होना चाहिए। एक बात का और जवाब दीजिए, GST और नोटबंदी से यहाँ पर कितने लोगों के धंधे प्रभावित हुए हैं? हाथ खड़ा करेंगे जिनके धंधे GST नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं। आप हैं, आप लोगों से मैंने बात कर ली जी, आपका क्या व्यवसाय है जो GST नोटबंदी से प्रभावित हुआ? जी मैम, मेरा मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था, जिसके चलते फार्म वार्म भरने में भी दिक्कतें आई थी काफी,
क्या मांग है आपकी सरकार से? तो यहीं पहले मतलब मेन मांग है हमारा कि जीएसटी जो है उसको कम किया जाए, जितना अत्यधिक जीएसटी है उसके हिसाब से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो अपनी बात मांग पत्र में जरूर लिखिएगा। एक और हमारे साथ सज्जन यहाँ मौजूद हैं, आप मोदी सरकार से क्या चाहते हैं इस बजट में? काशी का पहचान गंगा से है, शिव से है, तो बस इसकी मर्यादा और इसका कलंक धुल जाए तो अच्छा होता है ना। अब वो कलंक, वो पूरे फेस पर वो कालिक कहाँ कहाँ लगा है, ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब खुद विचारक हैं वो लोग, विचारेंगे हम क्या कहें। बड़ी बात कह दी आपने, आपने बोलते हुए भी अपनी बात रख दी। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, देश के वित्त मंत्री से जब वो बजट बनाए आपको क्या दे, क्या कहना चाहते हैं आप इस मंच से? एक तो ये कहेंगे हम कि कम से कम गरीबों का बहुत ध्यान दें, कि गरीबों को थोड़ा उत्थान हो, बड़े लोगों को थोड़ा सा कष्ट भी हो तो क्या, थोड़ा सा, लेकिन गरीबों को थोड़ा उत्थान हो। गरीब गरीबी के नीचे गिरते जा रहे हैं और उनको बड़ा परेशानियां हैं, बहुत सारे बिना घर के हैं, झुग्गी झोपड़ियों में हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, उनके लिए कुछ आवास की व्यवस्था हो। और गंदगी वगैरह जो बनारस की जो पहचान है, इसमें पहले से हम देख रहे हैं तो गंदगी को ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। साफ सफाई बढ़े और गरीबों का कल्याण हो, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? मैं चाहता हूँ कि मोर एंड मोर रिक्रूटमेंट आए, जिस हिसाब से तीन साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को बने हुए, दिन पर डे बाई डे वैकेंसी कम होते जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि रोजगार के नए अवसर खुले। चलिए, रोजगार की एक बड़ी बात आपने कही, आपका क्या कहना है मोदी सरकार से? जो भी बजट हो वो लोक लुभाव न हो, वो जनता के हित के लिए हो, वो हमारे काशी के लिए हो। सारी गवर्नमेंट कहती मेरी गंगा साफ होगी, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो कि मेरी गंगा नहीं साफ हो रही है? इसके पीछे इन्हें एक कमेटी बना के उस पर जो भी जांच करना करा लें, लेकिन गंगा माँ को हमारे साफ करें। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही। मुझे एक चीज यहाँ पर और बताइए, एक पोल है जिसमें आप अपनी हाँ या ना की राय दीजिएगा इस बजट में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप क्या चाहते हैं? बहुत सारे वादे और घोषणाएं हो, खूब पैसा एलोकेट वाराणसी के लिए किया जाए, या सिर्फ वही किया जाए जो बनारस को दिया जा सकता है, क्या होना चाहिए? मैडम ऐसा है, वही किया जाना चाहिए, वादे बहुत हो चुके। 1,76,00,000 स्वेटर कभी एक महीने में कोई कंपनी बना सकती है? बच्चों के लिए ना साइज पता है सर, ना ढंग से ये पता है किस स्कूल में कितनी संख्या है, कौन सा जादू की छड़ी घूमेगी और ये घोषणा पूरी हो जाएगी। घोषणाओं पर होमवर्क किया जाना चाहिए बहुत कायदे से, और हर तबके के जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम संसदीय क्षेत्र से, जो हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसको भी गौरवान्वित करने का काम करें खुद से। बात आपने कही है कि इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाए। जी वहाँ लोग कुछ खड़े हैं, जी मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। जी ये बहुत ही सामान्य बात है कि इस बार युवा, महिला, कृषि, किसान, इनको देखा जाएगा, नौकरी वालों के लिए टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा, ये सिंपल बात है, होगी जरूर, लेकिन रोजगार और भ्रष्टाचार ये बहुत जरूरी चीज है, और इसमें से भी भ्रष्टाचार मुझे लगता है सारी समस्याओं का उपचार है, तकनीकी के माध्यम से अपना रही है सरकार। लेकिन आज भी जो अन्ना मूवमेंट में जो मामला चला था, केजरीवाल हाईजैक कर गए थे। मैं दो बातें समझू आप कह रहे, रोजगार दिया जाए और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाए तकनीक से। मुझे और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेनी होगी, यहाँ मौजूद कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। जी जी मैडम, ये बहुत शर्म की बात है कि वित्त मंत्री से आपकी मांग क्या है सर? मंच का इस्तेमाल उसके लिए कीजिए, आपकी आवाज वहां तक जाए ऐसे। मैडम वही तो मैं बताना चाहता हूँ, मुद्दा तो यही है कि ये कितने शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे संसदीय क्षेत्र से हैं और वो हमारे सांसद हैं। यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, कागज कागज पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई, विकास का कोई। मैं एक पोल ले लेती हूँ ना फिर, क्या विकास सिर्फ कागजों तक रहा है वाराणसी में? कितने मानते हैं विकास सिर्फ कागजों तक रहा है? देखिए पीछे भी बहुत लोग हैं। जी 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 मैडम, यहाँ विकास हो रहा है, मोदी जी ने, आप देखिए बाबतपुर रोड से चलिए, बीएचयू में हॉस्पिटल दिया, वहाँ कम्युनिटी से एक उद्घाटन किया है, अभी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, गैस का अंडरग्राउंड काम हो रहा है। तो वाराणसी को कुछ नहीं चाहिए फिर बजट से? क्यों नहीं चाहिए, अच्छे के लिए चाहिए बजट हमको। और मेरी मांग प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से है कि किसानों की दो मांगे पूरी करें, एक अन्नदाता का आय दुगना करें और दूसरा
सिंचाई की व्यवस्था सारी जगह सुलभ कराएं, जिससे कि जो असिंचित क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र में आ जाए। चलिए किसानों की बात वित्त मंत्री सुनेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। चलते चलते मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी प्रवीण जी, प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी इस क्षेत्र पर है, लोगों की इतनी समस्याएं हैं, इतनी मांगे हैं, पीएम 2019 के चुनाव से पहले वाराणसी को ये सब दे पाएंगे, क्या लगता है? अब योजनाएं धरातल पे अगर लागू हो जाएंगी तो असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको मनोबल ही मजबूत होना पड़ेगा और धरातल पे रुक करके पर्यवेक्षण करा करके काम कराना पड़ेगा, तभी यह संभव है। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आपके हाथ में जो मांग पत्र है मैं ये भी बता दूं वाराणसी की जनता और देश की जनता के लिए, जो लोग यहाँ हमारे साथ आज मौजूद नहीं है, ये मांग पत्र हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, abpnews.in पर आप जाइए, हमारे होम पेज पर जाकर बैनर पर क्लिक कीजिए। इस मांग पत्र में अपना नाम, शहर और वित्त मंत्री के नाम, अपनी मांग जरूर जरूर लिखकर भेजिएगा। रोज शाम 5:30 बजे सुनिए वित्त मंत्री में, आप में से कुछ चुनिंदा लोगों की राय हम जरूर दिखाएंगे, ताकि आपकी आवाज देश की आवाज मजबूत होकर वित्त मंत्रालय तक, देश की मोदी सरकार तक पहुंचे। वाराणसी का बजट पर मूड आपने देखा, मन की बात आपने देखी, यहां से फिलहाल इतना ही। कल हम यूपी में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भदोही जाएंगे और जानेंगे भदोही की जनता क्या चाहती है इस बार के बजट से। सुनिए वित्त मंत्री जी, फिलहाल वाराणसी से इतना ही, एबीपी न्यूज पर खबरें जारी है, नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।